नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते और पिछले हफ्ते रिलीज हुई कुछ बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन सभी फिल्मों में कौन सी हिट हुई और कौन सी रह चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और इन सभी फिल्मों में आपकी पसंद की फिल्म कौन सी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की फिल्म छिछोरे के बारे में। तो दोस्तों छिछोरे फिल्म का बजट था 70 करोड़ रुपए, वही इस फिल्म को इंडियन मार्केट में 1550 स्क्रीन में रिलीज किया गया था और ओवरसीज मार्केट में फिल्म को मिली थी 400 स्क्रीन। आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नितेश तिवारी ने, जो इससे पहले दंगल जैसी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं। वही दोस्तों इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में हमें देखने को मिले थे सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर और वरुण शर्मा। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका और फिल्म के पहले हफ्ते के कलेक्शन काफी शानदार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली थी 7 करोड़ 32 लाख रुपए से, वही दूसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 12 करोड़ 25 लाख रुपए, तो तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन आया था 16 करोड़ 41 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने वीकडेज में भी काफी बढ़िया कारोबार किया और फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन आया 8 करोड़ 10 लाख रुपए, तो पांचवें दिन का कलेक्शन और भी ज्यादा रहा 10 करोड़ 5 लाख रुपए। वही दोस्तों बात करें छठे दिन की, तो फिल्म ने छठे दिन भी बिल्कुल अपने पहले दिन जैसे ही कमाई की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फिल्म ने छठे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन किया 7 करोड़ 20 लाख रुपए का। वही अगर बात करें सातवें दिन की, तो दोस्तों फिल्म सातवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग है और आज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों छिछोरे का जो पहले हफ्ते का इंडियन नेट कलेक्शन होता है वो हो चुका है 68 करोड़ यानी 68 करोड़ रुपए, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 81 करोड़ यानी 81 करोड़ रुपए, और फिल्म ने अब तक ओवरसीज मार्केट से कमाए हैं 15 करोड़ रुपए, यानी कि छिछोरे फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है लगभग 96 करोड़ यानी 96 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इंडियन सिनेमा के नंबर वन सुपरस्टार प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहो, जो कि रिलीज हुई थी 30 अगस्त को और फिल्म ने इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्ते कंप्लीट कर लिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे हो चुके हैं 14 दिन। अगर बात करें दोस्तों फिल्म की सपोर्टिंग स्टार कास्ट की, तो फिल्म में हमें प्रभास और श्रद्धा कपूर के अलावा नजर आए थे नील नितिन, मुकेश, जेके श्रॉफ, महेश मांजरेकर, मंदिरा बेदी, अरुण विजय और भी बहुत सारी सपोर्टिंग कास्ट। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट था 350 करोड़ रुपए, वही दोस्तों इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लगभग 9000 स्क्रीन में रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था 130 करोड़ रुपए का, जिसमें सिर्फ हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन था 24 करोड़ 40 लाख रुपए का। वही दोस्तों अगर बात करें फिल्म के पहले हफ्ते के कलेक्शन की, तो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में हिंदी वर्जन में टोटल नेट कलेक्शन कर लिया था 116 करोड़ रुपए का, वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन फिल्म का पहले हफ्ते आया था 350 करोड़ रुपए। वही दोस्तों अब अगर बात करें दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने दूसरे हफ्ते में हिंदी वर्जन में अपने दूसरे वीकेंड में कमाए थे 15 करोड़ रुपए, वही वीकडेज यानी कि 11वें 12वें दिन भी फिल्म के कलेक्शन काफी बढ़िया रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फिल्म ने 11वें दिन हिंदी वर्जन में 4 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए थे, तो 12वें दिन 3 करोड़ 50 लाख रुपए और 13वें दिन फिल्म का कलेक्शन आया 2 करोड़ 10 लाख रुपए। वही बात करें 14वें दिन की, तो दोस्तों ये फिल्म 14वें दिन हिंदी वर्जन में कलेक्शन कर रही है लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों साहो का 14 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो हो जाता है 146 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने हिंदी वर्जन में 146 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया, यानी कि आने वाले इस वीकेंड में फिल्म का हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन
कलेक्शन 150 करोड़ हो जाएगा। तो दोस्तों फिल्म का जहां अभी तक का नेट कलेक्शन 146 करोड़ है हिंदी में, वही इस फिल्म का ग्रोस कलेक्शन 169 करोड़ रुपए हो चुका है। वही दोस्तों अगर बात करें बाकी भाषाओं की, दोस्तों फिल्म ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम मिलाकर टोटल अभी तक इंडिया ग्रोस कलेक्शन 363 करोड़ रुपए का कर लिया है। वही दोस्तों अगर बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो साहो का टोटल ओवरसीज कलेक्शन आया है अभी तक 80 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां 363 करोड़ इंडिया का, वही 80 करोड़ रुपए ओवरसीज का। इसी के साथ दोस्तों साहो का जो 14 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 443 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 443 करोड़ का कर लिया है। आपको बता दे दोस्तों, फिल्म हिंदी वर्जन में हो चुकी है सुपर हिट, वही तेलुगु वर्जन में फिल्म अभी एवरेज है, और वही बात करें मलयालम और तमिल की, तो दोस्तों इन दो वर्जन में फिल्म सक्सेस हासिल नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि फिल्म जब वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लेगी तो तभी यह फिल्म सभी भाषाओं में हिट डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो अब देखते हैं दोस्तों, फिल्म आने वाले दिनों में वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके सभी भाषाओं में हिट साबित होती है या नहीं। वैसे दोस्तों अगर अभी तक आपने साहो फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देख के आइए, काफी बढ़िया एक्शन है। और अगर आप ये फिल्म देख के आ चुके हैं तो प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहो आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फ्लोप, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिशन मंगल की अगर बात करें तो मिशन मंगल फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज हो चुके हैं 29 दिन, और दोस्तों मिशन मंगल ने बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा कर दिया जिसकी उम्मीद अक्षय कुमार के फैंस को नहीं थी, यहां तक कि शायद अक्षय कुमार को भी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मिशन मंगल इस वक्त अक्षय कुमार की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। जी हां दोस्तों, एक ही साल में दो दो फिल्म रिलीज करने के बाद भी अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल ने बॉक्स ऑफिस पर नए इतिहास रच दिए। अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग लेकर क्लेश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों वही फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन कर लिया था 128 करोड़ 16 लाख रुपए का। दूसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन आया था 49 करोड़ 95 लाख रुपए। वही तीसरे हफ्ते में कई बॉलीवुड की नई फिल्में रिलीज हो चुकी थी, उसके बाद भी मिशन मंगल ने अपने तीसरे हफ्ते में कलेक्शन किया था 15 करोड़ 3 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों मिशन मंगल ने अपने शुरुआती तीन हफ्तों में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था 193 करोड़ 14 लाख रुपए का। वही अब अगर बात करें चौथे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों चौथे हफ्ते में और भी ज्यादा फिल्में रिलीज हो चुकी थी और मिशन मंगल के पास स्क्रीन काफी कम हो गई थी। अगर बात करें चौथे हफ्ते के डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में पहले दिन कमाए 92 लाख रुपए, दूसरे दिन कमाए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, तीसरे दिन कमाए 2 करोड़ 7 लाख रुपए, वही चौथे दिन कमाए 76 लाख रुपए, और पांचवें दिन फिल्म का कलेक्शन आया 81 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने छठे दिन 51 लाख रुपए की कमाई की थी, यानी कि फिल्म ने अपने शुरुआती टोटल 28 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन कर लिया था 199 करोड़ 65 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म 200 करोड़ से सिर्फ 35 लाख रुपए दूर थी। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें हम 29वें दिन की, यानी कि चौथे हफ्ते के 7वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने चौथे हफ्ते के 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 40 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 200 करोड़ 5 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म ने इंडियन नेट मार्केट में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 238 करोड़ रुपए, और ओवरसीज मार्केट का टोटल ग्रोस कलेक्शन आया है 53 करोड़ रुपए। यानी कि मिशन मंगल का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन 291 करोड़ हो चुका है। और आपको बता दे दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट, और साथ ही साथ ये अक्षय कुमार के करियर की पहली सोलो 200 करोड़ वाली फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों फिल्म अक्षय कुमार के करियर के इस साल के अब तक के हाईएस्ट फिल्म तो बन चुकी है, लेकिन कुछ ही महीने बाद अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 वो भी रिलीज होने वाली है। तो अब उम्मीद है कि जिस तरह से मिशन मंगल ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार करके अक्षय कुमार को 200 करोड़ क्लब में एंट्री दिला दी,
उसी तरह हाउसफुल 4 300 करोड़ कमा के अक्षय कुमार को 300 करोड़ क्लब के भी एंट्री दिलवा देगी। उसके बाद तो दोस्तों अगले साल सब 200 और 300 करोड़ वाली फिल्में हैं, जैसे कि लक्ष्मी बॉम, सूर्यवंशी, बच्चन पांडे और सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज चौहान जी की बायोपिक पृथ्वीराज फिल्म। तो अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में अक्षय कुमार बॉलीवुड में और क्या क्या नए रिकॉर्ड बनाते हैं। वैसे दोस्तों आपको अक्षय कुमार के आने वाली इन चारों फिल्मों में से किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है, अपनी पसंद की फिल्म का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।